नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। शिवपुरी जिला इस समय बाढ़ और अतिवृष्टि की मार झेल रहा है। ऐसे समय में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए सरकार हर महीने लोगों के लिए राशन भिजवा रही है। केंद्र सरकार ने भी प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री राशन भिजवाया है, लेकिन यह राशन कुछ लोगों के कारण जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिले के कई गांवों में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में सरकारी राशन की दुकान से हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं खनिया थाना तहसील के गता झलकुई गांव की, जहां सेल्समैन जयराम आदिवासी गरीबों को उनके हक का राशन नहीं दे रहा। ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन ने पिछले 3 महीने से राशन नहीं दिया। जो राशन की ओर से फ्री, लगातार शासन की ओर से फ्री राशन मिला था, वह भी सेल्समैन ने नहीं दिया। ज्यादा दबाव डालने पर कभी कभी सेल्समैन 30 किलो की पात्रता पर्ची पर महज 10 किलो अनाज ही देता है। इतना ही नहीं, सेल्समैन ये धमकी भी देता है कि जहां शिकायत करना हो कर लो, क्योंकि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में ग्रामीणों ने पिछोर पहुंचकर एसडीएम जेपी गुप्ता से गुहार लगाई है। फिलहाल एमकेएन की टीम ने इस संबंध में एसडीएम से बात की तो उन्होंने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर को भी अवगत कराने की बात कही गई। अब देखना यह होगा कि शिकायत के बाद सेल्समैन को हटाया जाता है या नहीं। तहसील में इसलिए आए हैं कि हमारे पहले तो ग्राम की पूरी फसल नष्ट हो गई और कोई हमारी अभी तक सुनवाई नहीं भाई। और दूसरी नंबर ये है कि हमारे जो उचित मूल्य पे की दुकान पे राशन बटता है, वो आज तक हमें सही नियम से नहीं बटा। फ्री भी दे सरकार, वो भी हमको नहीं मिला। कब से नहीं मिला? वो तो कब हम कहीं नहीं दिए साहब। अच्छा, देते नहीं। कौन है वहाँ पे? वहाँ पे एक आदिवासी है। आदिवासी है? क्या नाम है उसका? जयराम। तहसील में कहाँ घुमाई आज? अरे अभी ऐसे ही घुमा थी, जब किसी नहीं मिल रही। कौन से गांव की हो? झलकुई की हो? कब से नहीं मिली तुम्हें? डेढ़ साल से नहीं मिलो। काके काके देत? ये भाई साहब के आए थे, जब दिन के कहन से गई थी। काके देत? देत नहीं है। इसलिए आए साहब कि हमारा गरीब को जो कुछ भाग है वो नहीं मिलता हमारे। हमें हम पढ़े हैं ना, लेकिन रूम पे चाहते हैं हम तो। और जो दुकान पे हमारा लाइसेंस आता है उसको कभी कभी वो 25 किलो दे देते, कभी 10 किलो दे देते हैं। अब की 3 महीने में 1 महीना का, अच्छा 3 महीने में 1 महीना भी लगा। और इसके पहले? उससे पहले कभी 20 किलो, 25 किलो, 15 किलो। हमारा पूरा 1.25 साल हो गया उसके लिए, जब से हमारा पूरा दुकान। कौन है कंट्रोल पे है? कौन उधर? आदिवासी है साहब, जयराम है। यही बात है। कौन है? अब हमें यहाँ गल्ले मल्ले मिल नहीं रहे। ये हमारे साथ साथ पसेरी के दे भैया बैठे बनवाए, हमें दो दो पसेरी कम कम। कब से नहीं मिलो? अभी 3 महीना से नहीं दे रही, अब दई दो दो पसेरी। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खनियादाना के अंतर्गत आने वाले तहसील के गता झलकुई गांव की, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर जनमुद्दे में आज ये इसलिए भी खास है क्योंकि बाढ़ के चलते और अतिवृष्टि की मार झेल रहे तमाम ग्रामीण, अब उनको राशन मुहैया कराने के लिए सरकार ने कई वादे तो किए और इतना ही नहीं, उनके लिए कई ऐसी योजनाएं भी चलाई गई जिसके चलते उनको राशन का उपलब्धता करवाई जाए। बावजूद इसके उनको राशन की उपलब्धता जो है वो जो वहां के ग्राम पंचायत सरपंच के सचिव हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जब आप वहां पर पहुंचे क्या कुछ माहौल था और इस विषय पर ग्रामीणों का क्या कुछ बयान सामने आया, बताइए। जैसा राजकुमारी जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि सेल्समैन की बिल्कुल गुंडागिर्दी देखी जा रही है, दादागिर्दी देखी जा रही है। सेल्समैन से बार बार बोलने पर भी सेल्समैन बिल्कुल ध्यान नहीं देता और राशन भी नहीं बांटता है।
जी नरेंद्र, क्या लगता है इस बीच आपको कि क्या यहाँ पर उन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है जो राशन मुहैया कराने के लिए सेल्समैन को राशन देते हैं, या फिर सेल्समैन की यहाँ पर लापरवाही समझ में आ रही है? क्योंकि सेल्समैन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, लेकिन हम आपको राशन इतना ही देंगे जितना हमारे पास है। जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं इनमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ऐसे सेल्समैनों को। जी, किसी उच्चाधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल, मेरी एसडीएम साहब से इस विषय में बात हुई थी। एसडीएम साहब ने साफ साफ तौर पे बिल्कुल आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ऐसे सेल्समैनों पे कार्रवाई की जाएगी, मगर आज दिनांक तक अभी तक ना तो एसडीएम द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, और ना ही तहसीलदार द्वारा, और ना ही फूड ऑफिसर द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। जी नरेंद्र, कम से कम कितने वहां पर, कितनी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे जब आप पहुंचे वहां पर कि उनको राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी करीब 100 से 150 लोगों की संख्या में वो हितग्राही वहां पे मौजूद थे, और जब मैंने हितग्राहियों से बात की तो हितग्राहियों का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल में जो 3 महीने का राशन प्रदेश सरकार से मुहैया कराया गया, और 2 महीने का राज्य सरकार से जो राशन मुहैया कराया गया, उसमें से बिल्कुल भी राशन नहीं दिया गया। जी क्या लगता है नरेंद्र आपको कि किस तरीके से यहाँ पर गलती तमाम नजर आ रही है, कि आखिर यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि 100 से 150 ग्रामीण हैं जो अभी भी राशन की उपलब्धता से वंचित हैं, पात्रता होने के बावजूद उन्हें 30 किलो का राशन आज तक नहीं मिल पाया है, इस बीच कहाँ समन्वय की कमी आ रही है? वहीं ये भी बताया कि वहां पर ग्रामीणों का इस बारे में क्या कुछ और बयान सामने आया है, चूंकि जब ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं तो जरूरी हो जाता है कि बाढ़ जैसी स्थिति में उनको राशन मुहैया कराना चाहिए। जी, जिला शिवपुरी की जो सबसे बड़ी तहसील खनिया थाना है, और तहसील खनिया थाना के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की, जो जिम्मेदार अधिकारियों की ढील साफ तौर पे देखी जा सकती है, क्योंकि अधिकारी जब तक नहीं बोलेंगे, अधिकारी के पास जब ग्रामीण जाते हैं तो अधिकारी कुछ नहीं आवेदन ले लेते हैं, कार्रवाई करने का आश्वासन दे देते हैं। जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो उनमें एक डर का माहौल पैदा होगा, और जब डर का माहौल पैदा हो जाएगा तब जाके वो लोग तरीके से राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी तो जरूरत यहाँ पर है प्रशासन अधिकारियों के, उनके यहाँ पे मुआवजे करवाने की, जिसके चलते लोगों को इस समस्या से निजात मिले। हमारे साथ हितग्राही जगदीश यादव जुड़ गए हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी मैम। जगदीश जी, ये बताइए कि आपको कब से राशन मुहैया नहीं करवाया गया है, चूंकि केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने का और राज्य सरकार द्वारा 2 महीने का राशन उपलब्धता की बात कही गई थी, इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी राशन देने की बात कही थी, क्या कुछ राशन आपको मिला, विस्तार से बताइए। मैम राशन तो मिला है, लेकिन आधा अधूरा मिलता है, राशन पूरा नहीं मिल रहा है, और जो उसका अंगूठी लगती है वो पूरा राशन भरते हैं उसमें। जी जगदीश, कितना समय हो गया है? कहते हैं खराब हो गया, कभी कहते हैं आया नहीं है, तो आधा अधूरा राशन मिल रहा है। क्या लगता है इस बीच गलती किसकी नजर आ रही है? क्या कोई सेल्समैन है जिसके चलते यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जब प्रशासन द्वारा ये राशन मुहैया कराया जाता है उसमें कुछ गड़बड़ी सामने आ रही है? उसके द्वारा है, जो डीलर है, कंट्रोल का जो दुकानदार है उसका ही है, और क्या है उसमें। जी कितना समय हो गया है जगदीश आपको जब से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपको नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र को? चार तो पहले परेशान रहा, मैंने 181 से शिकायत की कम से कम 10 बार, इससे कोई निराकरण नहीं हुआ। जी उसके बाद में फिर जो फ्री वाला राशन आया वो भी ऐसा ही आधा अधूरा दिया। जी आया नहीं है, वो नहीं हुआ। आपने जिस तरह से बताया कि वहाँ पर तमाम आपने पूरी कोशिश तो की अपनी समस्या का समाधान निकालने की, लेकिन कोई आश्वासन के आधार पर वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिसके चलते आप लोगों को राशन की उपलब्धता करवाई जाए, क्या लगता है वहाँ पे जिस तरीके से आप 100 से लेकर 150 तक के वहाँ पे जो हितग्राही हैं पात्रता के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बीच जो आपको राशन दिया जाता है उसका बंडरबांट कर वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं? मैम ये तो पता नहीं है कौन लाभ उठा रहा है, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। जी जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खनिया धाना की, जहां पर
राशन की उपलब्धता तमाम हितग्राहियों को नहीं हो पा रही है। पात्रता के आधार पर यहां पर राशन का वितरण किया जाता है, बावजूद इसके इनको 30 किलो राशन मुहैया नहीं करवाया गया। डेढ़ साल का समय बीत चुका है लेकिन आज तक 15, 20, 25 किलो राशन तो मुहैया कराया गया लेकिन जितनी पात्रता है उतना राशन मुहैया नहीं करवाया गया, जिसके चलते यहां तमाम ग्रामीण जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने की कोशिश भी की गई, बावजूद इसके यहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खनियाधाना के अंतर्गत आने वाली खनियाधाना तहसील के गता झलकुई गांव की। वही हमारे साथ खाद्य अधिकारी शिवपुरी के विपिन पटेल जुड़ गए हैं। पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। पटेल जी क्या कुछ कहेंगे, मामला खनियाधाना का है जहां खनियाधाना तहसील के गता झलकुई गांव का ग्रामीणों का आरोप है कि जो राशन का वितरण किया जाता है वो उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, हमारे जिले में ऐसा कहीं नहीं है, हमारे जिले में नियमानुसार खाद्यान्न बढ़ रहा है। निगरानी समिति के माध्यम से उनके समक्ष नोडल आते हैं, निगरानी समिति है, उनके समक्ष वितरण होता है। तो यहाँ पर लगभग 100 से 150 ग्रामीण जो हैं, जब हमारे संवाददाता वहाँ पर पहुँचे तो तमाम उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर झलकुई गांव की बात कर रही हूँ सर, वहाँ पर लगातार जो ग्रामीण है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने का राशन, राज्य सरकार द्वारा 2 महीने का और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी राशन वितरण का वादा किया गया था, लेकिन बावजूद उसके एक नहीं सर तमाम ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बाढ़ पीड़ित वालों को भी राशन मिला है। 50 किलो 100 गज के जो तहसीलदार साहब की चुकी आई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का खाद्यान्न बटा है 3 महीने का, मई जून में पहले और उसके बाद में जुलाई और अभी अगस्त का भी बट रहा है। पटेल जी मतलब आपका साफ साफ कहना है कि जो भी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। लेकिन बट रहा है, लगभग 90% खाद्यान्न बट चुका है हमारे ग्राहियों को आज की स्थिति में। लेकिन सर यहाँ पर तमाम इतने सारे हितग्राही तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। मैं हितग्राही झूठ बोलने की नहीं बोलना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उन्हें क्या बोला है, हर आदमी को नियम अनुसार खाद्यान्न बट रहा है। लेकिन पटेल जी जब समस्या आती है तो कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करने के लिए जनता के बीच जाकर उन्हें समन्वय तो स्थापित कर सकते हैं ना। मैं उसको अलग से दिखवा लूंगा, जांच करवा लूंगा कि कहाँ क्या स्थिति है, क्या कोई विशेष स्थिति वहाँ पे है। जी नॉर्मली हमारे यहाँ खाद्यान्न बट रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चूंकि आपको बता दें कि समस्या है लेकिन समाधान नहीं है, जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो नकारते हुए नजर तो आते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन हाँ आश्वासन भी दिया जाता है। लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आश्वासन के आधार पर आगे चलकर यहाँ पर हितग्राहियों को राशन की उपलब्धता करवाई जाती है या फिर नहीं करवाई जाती है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि जब सेल्समैन से इस बारे में बातचीत की जाती है तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमें जो राशन मुहैया कराने के लिए दिया जाता है हम वो राशन मुहैया कराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी से कंप्लेन करनी है तो कर दो, लेकिन जो राशन है जितना हमें उपलब्ध करवाया जा रहा है हम उतना ही यहाँ पर तमाम ग्रामीणों को पात्रता के अनुसार ही राशन देते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 30 किलो की पात्रता पर्ची पर महज 10 किलो का अनाज ही दिया जाता है। हमारे साथ हितग्राही नवल सिंह जुड़ गए हैं। नवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। हाँ। नवल जी क्या कुछ कहेंगे, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राशन वितरण का यहाँ पर मामला उठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कब कब आपको राशन की उपलब्धता मुहैया नहीं करवाई गई? सर 3 माह से राशन बिल्कुल नहीं मिला। जी इसके पहले जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी वादा किया था कि 3 महीने का राशन मुहैया कराया जाएगा राज्य में 2 महीने का और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी राशन देने का वादा किया गया था, 3 महीने के पहले क्या आपको राशन मिला था? नहीं मिला था, 3 महीने से तो मिला नहीं है, 3 महीना मतलब 4th महीना में जरूर मिला था, आज से करीब 4 महीना पहले। जी नवल जी लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 30 किलो की पात्रता पर्ची है उसके अनुसार ही यहाँ पर राशन मुहैया कराया जाता है लेकिन 10 किलो अनाज ही आपको दिया जाता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? सर हमारे लिए 20 किलो का है तो 20 किलो में 10 किलो मिलता है, 20 किलो की पर्ची हमारे पास और 10 किलो मिलता है। क्या लगता है नवल जी इस बीच किसकी गलती है, किसके बीच समन्वय की कमी नजर आ रही है या फिर किसी कर्मचारी से बात करने की कोशिश की आपने इस मामले में?
कोशिश की, मतलब कई बार सेल्समैन से ही बात करी, सेल्समैन बस अपने बात कर देता कि आपके अगले महीना में आ जाएगा, अगले महीना में दे देंगे, अगले महीना में दे देंगे, ऐसे ऐसे बस चला गया। अंगूठी लगा लेते हैं मशीन से और बस बाद में राशन देते नहीं। जी नवल जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी यहाँ पर राशन देने की बात कही गई है, क्या बाढ़ जब आपके क्षेत्र में आई थी उस दौरान आपको राशन मुहैया कराया गया था? नहीं कराया गया सर, बाढ़ से तो प्रभावित है लेकिन राशन हमारे लिए कोई नहीं मिला। बाढ़ से भी प्रभावित हैं लेकिन कोई ना अभी तक पटवारी आया यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए, ना कोई अधिकारी आया इंक्वायरी करने के लिए। नवल जी क्या लगता है, इतने सारे यहाँ पर हितग्राही हैं, ग्रामीण लोग हैं, क्या कुछ आगे एक्शन लेने की उम्मीद जताई जा रही है आपके द्वारा? हाँ सर, वो मतलब राशन टेम से मिलते मिलता रहे और जो राहत मिल जाए जो बाढ़ से अपने प्रभावित आ गए हम लोग। जी नवल जी, पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि एमकेएन न्यूज के माध्यम से इस मुद्दे को जब प्रमुखता से उठाते हैं तो कहां तक यहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इस मामले की सुध लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और आपकी समस्या हमारे समक्ष रखने के लिए, क्योंकि लोग परेशान तो हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खनियादाना तहसील के अंतर्गत आने वाले गता झलकुई गांव की, जहां पर ग्रामीणों को पात्रता के अनुसार राशन नहीं मिल पा रहा है। तमाम ग्रामीण जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। 100 से लेकर 150 ऐसे ग्रामीण हैं जिन्हें 1 से 1.5 साल का समय बीत चुका है लेकिन आज तक राशन तो मुहैया हुआ है लेकिन जितनी पात्रता पर्ची में अंकित है उतना गेहूं उनको यहां पर नहीं दिया गया, जिसके चलते तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस बारे में जब हमने बात करनी चाहिए उन खाद्य अधिकारी से जो शिवपुरी के अंडर में आते हैं विपिन पटेल से, तो उनका साफ साफ कहना है कि यहां पर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसके चलते ग्रामीण जो है वो परेशान नजर आए, लेकिन जब ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की जाती है तो ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि 1 से 1.5 साल का समय बीत चुका है लेकिन आज तक यहां पर राशन मुहैया में कोई भी स्पष्टता नजर नहीं आए, क्योंकि 30 किलो का जो राशन है वो दिया जाना चाहिए लेकिन यहां पर पात्रता के अनुसार केवल 10 किलो अनाज ही दिया जाता है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं और साथ ही साथ अधिकारी कर्मचारी इस मामले में कोई सुध लेते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार जो है वो इनको राशन मुहैया नहीं करवा रही है, बल्कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जन जन तक उन सुविधाओं को पहुंचाया जाए जिसके वो हितग्राही हैं, साथ ही साथ उनकी पात्रता जिस तरीके से दर्शाई जाती है उन्हें भी इसका लाभ मिले। बावजूद इसके अगर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी या फिर सेल्समैन जो है या फिर ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच हैं वो अगर इसमें धांधली या बंदरबाट करते हुए नजर आते हैं तो कहां तक देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब ग्रामीणों को उनका राशन मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनमुद्दा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए तमाम बीजेपी के नेता उन क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ सामंजस्य भी बैठा रहे हैं और हितग्राहियों को राहत सामग्री से लेकर राशि भी वितरित की जा रही है। बावजूद इसके जो प्रशासनिक अधिकारी सरपंच सचिव हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते ग्रामीणों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। 10 किलो अनाज दिया जाता है लेकिन पात्रता पर्ची जो वो है वो 30 किलो अनाज की है। इतना ही नहीं, जब सेल्समैन से इस बारे में बातचीत की जाती है ग्रामीणों द्वारा तो सेल्समैन ये कहता हुआ नजर आता है कि शिकायत करना हो तो कर दो लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेल्समैन की ही किसी अधिकारी से मिलीभगत है या फिर किसी सरपंच सचिव के दरमियान वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आता है। एमके न्यूज के संवाददाता ने जब एसडीएम से बात की तो उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस मामले में जो खाद्य अधिकारी हैं वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि खाद्य अधिकारी जो हैं वो तो लगातार इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ आपको बता दें कि जब ग्रामीणों के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो साफ साफ उनका कहना है कि अगर परेशानी है तो हम सामंजस्य बिठाएंगे और जितने भी लोग हैं उनको संतुष्टि भी दिलाएंगे, आश्वासन भी दिलाएंगे कि इस तरीके की परेशानी से अगर ग्रामीण
परेशान हैं तो उन्हें निजात मिले, समस्या का समाधान मिले। साथ ही साथ उन ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो राशन के पात्र हैं, क्योंकि राशन की पात्रता उस समय भी बहुत जरूरी हो जाती है जब बाढ़ जैसी स्थिति से कोई भी क्षेत्र, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र जूझता है, जैसे कि अभी झलकुई गांव जूझ रहा है। तमाम बारिश के बाद जो बाढ़ की स्थिति बनी उसके चलते बीजेपी के कई नेताओं ने दौरा किया और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को आश्वासन भी दिया कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो उसके लिए सरकार हमेशा आपके समक्ष खड़ी है। लेकिन निचले तबके के या फिर ग्राम पंचायत सचिव सरपंच इस तरीके की मिलीभगत करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आने वाले समय में आखिरकार खाद्य विभाग के अधिकारी या फिर कई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में क्या कुछ सुध लेते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे साथ आज के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।